Hello everyone, welcome to English and Law classes and myself Dr. Vandana Shukla. Today I will discuss about interrogative sentences and interrogative negative sentences in simple present tense. In my last video I have already told you about affirmative sentences and negative sentences. So in this video, this is the time to discuss about interrogative and interrogative negative sentences. Now let us start. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हम पहचान कैसे करेंगे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहली पहचान है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा. इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य. इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक के साथ ही नकारात्मक भी होगा, मीन्स नेगेटिव भी होगा. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. दोनों प्रकार के सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा. तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने तरीके से इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं. तो इसका सीधा सा जवाब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम दो तरीके से इंट्रोगेटिव करते हैं. एक है हमारा इंट्रोगेटिव करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब. कौन सी है हमारी? इज, आर, एम, प्रेजेंट टेंस में. दूसरा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जिन वर्ड से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब ये कहाँ कहाँ लगेंगे ये ध्यान देने वाली बात है. जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसकी पहचान है कि वाक्य के शुरू में क्या आएगा. मीन्स जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो क्या से स्टार्ट होगा. जैसे क्या वो तुम्हारी बहन है, क्या वो मेरा भाई है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या वो पढ़ने स्कूल गया. मीन्स इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें शुरू में एकदम क्या आ जा रहा है वो हमें कैसे बनाने विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव करने हैं. चाहे टेंस कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब एज पर द टेंस चेंज हो सकती है. जैसे प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है तो इज आर एम हो रहा है, इनडेफिनिट हुआ तो डू डज हो जाएगा, ऐसे ही आपका पास्ट है तो वॉज वर हो जाएगा. मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो सकती है लेकिन आपका फॉर्मूला यही रहेगा, आपका तरीका यही रहेगा कि जो वाक्य आपके क्या से इंट्रोगेटिव हो रहे हैं उनको हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद से इंट्रोगेटिव करना है. क्लियर? अब बात आती है कि क्वेश्चन वर्ड की मदद से कौन से सेंटेंस इंट्रोगेटिव होंगे. तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन वर्ड की मदद से वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है हिंदी में. जैसे तुम कहाँ हो, वो कहाँ गया, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है. मीन्स ऐसे सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसको, ये सारे वर्ड जो है वाक्य के बीच में आ जाते हैं. तो हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की मदद से इंट्रोगेटिव करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की मदद से हो रहे हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती. लगती है लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है. तो दूसरा तरीका हमारा क्वेश्चन वर्ड की तरह से इंट्रोगेटिव बनाने का हो गया. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ से कैसे बनाएंगे. जैसे हमारा सबसे पहले क्या आएगा, पक्का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा. एग्जांपल आपका यही है कि क्या वह तुम्हारी बहन है, बहन है. देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है. अब बहन तुम्हारी बहन है तो इसका मतलब कि शी आएगा. ठीक है, अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आ जाएगी शुरू में, इज शी. बचा क्या है, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर. लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आ गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया हिंदी में भी इंग्लिश में. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज हिंदी में क्या हो गया और इंग्लिश में इज हो गया. अब हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन वर्ड की मदद से इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन वर्ड की मदद से जब हमें इंट्रोगेटिव करना है तो हमें क्वेश्चन वर्ड वाले में सबसे पहले क्वेश्चन
वर्ड रखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल है सेंटेंस का कि वह कहाँ है, ठीक है, एकदम सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रही हूँ, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि एग्जांपल भी उसी टेंस में रहे। तो वह कहाँ है, तो इसमें क्वेश्चन किससे पता चल रहा है, कहाँ से, तो कहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी यहाँ से इज, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका केवल ही, क्वेश्चन मार्क कर गया वेयर इज ही, सेंटेंस कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो एक हो गया विद हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब जिनमें शुरू में क्या आया था, दूसरा हो गया विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड जिसमें कि बीच में कहाँ आ गया, मीन्स जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में अगर रहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव, और अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में मीन्स क्या शुरू में वाक्य के रहता है तो वो हेल्पिंग वर्ब की वजह से इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हो गई। नाउ आई डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वही चीज़ रहती है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका नॉट कहाँ पर आएगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वाले हैं तो उसमें सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट, फिर आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, नहीं है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव क्या से हो रहा है, निगेटिव नहीं से हो रहा है। तो सबसे पहले क्या से स्टार्ट है, मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से इंट्रोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम लगाते हैं ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज ही, नेगेटिव के लिए आपका नॉट रख जाएगा। और योर ब्रदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपका बन गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की मदद से। आपको बनाना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया, फिर नॉट लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कम्प्लीट। मीन्स किसी भी टेंस में बनेगा फॉर्मेशन का तरीका यही रहेगा। अब आया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपका हेल्पिंग वर्ड क्वेश्चन वर्ड की मदद से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। आप सभी से, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखते हैं अगर उनको लगता है कि ये उनके काम के हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इनको रेगुलर देखिए। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो देखना ही सफिशिएंट नहीं है, जब आप देखते हैं तो उसके बाद कोई भी किसी भी पब्लिकेशन हाउस की बुक हो ग्रामर की, तो आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपको लगेगा आपको सब याद हो गया, समझ आ गया, लेकिन दो दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे रेगुलर प्रैक्टिस, तो एक समय के बाद वो माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है, फिर वो कभी भी भूलता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि ये लॉकडाउन के का समय चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक की वजह से नोबडी इज एबल टू गो आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द होम, सो आई वांट दैट कि आप लोग घर में बैठकर ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि आपका सब्जेक्ट कवर अप हो जाए, कोई ऐसा ना लगे कि छुट्टियों की वजह से, कॉलेज स्कूल बंद होने की वजह से कि आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों के अपडेट मिलते रहें। अगर किसी चीज़ की कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं, ताकि मैं आगे उनको सुधार कर सकूं। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।